अब आप पूछोगे कि 1:30 पर कैसे? थोड़ा सा हुआ लेट लेट। हेलो, राम राम। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं थोड़ा लेट उठा और वीडियो एडिट नहीं की मैंने रात को, तो अब करूँगा मैं। और आज मेरा पेपर भी है तो पेपर भी देना है। अमरूद खाएगा? अमरूद अमरूद तोड़ के देता हूँ, रुक तेरे को। ये ले अमरूद अमरूद अमरूद। ये कह रहे मम्मी के पास जाना है। कहाँ पे जाना है? नाना जी के पास। कहाँ पे जाना है भाभी? नाना जी कन जाना है। रोते नहीं भाभी के। कहाँ पे जाना है पहले बता, कहाँ पे जाना है? वहाँ मैं कन जाना है। आजा बाय भाभी, बाय कर दे, फिर मम्मी के पास चल जाना। बाय। अब खुश हो गया तो अमरूद खाते हैं हम। वीडियो एडिट हो गया और अब टाइम हो रहा है 8:50 और मेरा पेपर स्टार्ट है 9:10 और मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है। 20 मिनट में मेरे को नाना है और 10 मिनट चाहिए मेरे को थंबनेल वगैरह एडिट करने के लिए। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पूरे 9:10 में पेपर के लिए बैठ जाएँ और वीडियो भी ज़रूरी है अपनी। तो मैं नहाया हूँ और फिलहाल टाइम हो रहा है 9:20 और आज का पेपर ईजी है, प्रैक्टिकल गया, जल्दी हो जाएगा तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आराम से करेंगे। और फिलहाल पी रहे हैं दूध गूंद कतीरा और ओट्स और चीनी वगैरह डाल के, तो पीते हैं और बढ़िया पेपर देता हूँ मैं, उसके बाद में आपको मिलता हूँ। तो फिलहाल 11 बज रहे हैं और आधा पेपर दे दिया मैंने, फिलहाल खाना खाते हैं। आसान है पेपर, जल्दी हो जाएगा तो अपने कोई टेंशन नहीं है, इसलिए खाना खा लेते हैं। वरना नहीं तो अगर थोड़ा मुश्किल होता तो खाना फिर 1 बजे खाता मैं, 1:30 बजे जो जितने भी मतलब भाई पेपर ख़त्म होता। तो चलो खाना खाता हूँ, उसके बाद में फिर पेपर स्टार्ट करते हैं, जल्दी हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल है ना तो छोटा है, जल्दी लिखा जाएगा, थ्योरी में थोड़ा स्पीड कम मेरी। तो चलो पेपर दे, खाना खाता हूँ और पेपर देता हूँ, उसके बाद में मिलता हूँ आपसे। तो फिलहाल मैंने अपना पेपर सबमिट कर दिया है, अब टाइम हो रहा है 1:30। अब आप पूछोगे कि 1:30 पर कैसे? थोड़ा सा हुआ लेट, लेट तो नहीं हुआ मतलब टाइम से भेज दिया मैंने, 129% हुआ, 1:30 लास्ट टाइम था। मैडम का कंफर्मेशन भी आ गया तो बस हमें क्या टेंशन, हो गया जैसे मर्जी बस। तो चलो सही है, अब थकान सी हुई बड़ी है, थोड़ा बहुत खाना पीना करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते देखते हैं, ऑफिस चलते हैं फिर, बाकी देखते हैं। ऑफिस जाना होगा तो ऑफिस में स्केच बनाएंगे, नहीं तो इधर बना लेंगे स्केच, स्केच ऑर्डर भी कंप्लीट करना है हमें। गन्ने का जूस। मैं दोपहर को सो गया था और मैं सो ही रहा था, मम्मी ने उठा दिया, मेरे को कहते गन्ने का जूस पी ले, गन्ने का जूस के बहाने से उठ गया, नहीं तो मैं और सोने वाला था। तो पीते हैं गन्ने का जूस, बड़ा स्वाद हो रहा है, ठंडा नहीं है, पता नहीं ठंडो क्यों नहीं हो। तो कर दिया पूरा ठंडा, इसलिए नहीं कराया था मम्मा उन्होंने कि सर्द गर्म ना हो जाए, पता नहीं बाकी। माँ बच्चे शोर मचा रहे ने बार। ये टकलू। तो चलते हैं फिर ग्राउंड में, मैंने तो जूस पी लिया, मेरा तो हल्का हल्का पता नहीं पेट के दर्द हो रहा है, जूस पिया, जूस तो अच्छा होता गन्ने का। और बाकी जो कल पैर दर्द हो रहे थे मेरे बहुत ज़्यादा, रात को मैं सो गया था जल्दी, इसलिए फिर सुबह उठा तो गायब दर्द। तो अब चलते हैं थोड़ी देर ग्राउंड, योगा वही करेगा मेरा तो पता नहीं, पेट तो अब तो ठीक हो गया, इतनी देर में आराम मिल गया, बट जूस पिया है कुछ नहीं करेंगे, बहाना भी देखो, जूस पिया कुछ नहीं करेंगे। तो चलो चलते हैं ग्राउंड। भीड़ देखो ग्राउंड से कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं हम, छत पे आ गए, ये इसको योगा बता दी भाई को, कर रहे हैं योगा। फुटबॉल ग्राउंड में करने नहीं दिया हमें, कहते फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल लग जाएगी। फिर कबड्डी ग्राउंड में भी बिछा लिया, वहाँ पर मना कर दिया, फिर हम ऊपर ही आ गए अकेले।
तो चलो करते हैं थोड़ी उद्योग वगैरह। तो मैं ग्राउंड से आया था और खाना पीना कर लिया मैंने, तो फिलहाल टाइम हो रहे हैं 10:15 बज रहे हैं और मैं अभी स्केच बनाने के लिए बैठा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ आज पूरी रात स्केच बनाए, देखते हैं लाइट ना जाए, बस ट्राई करेंगे पूरा कि आउटलाइन बन जाए दूसरे की, और एक 1% की शेडिंग भी कर दूँ, काफ़ी हद तक कोशिश करूँगा कंप्लीट हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बस होप लाइट ना जाए। तो अभी पैर तो धो रहे पता नहीं क्यों, कल भी हो रहे थे, कल ज़्यादा हो रहे थे, अब तो थोड़े बहुत कम है। कल तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहे, तभी मैं सोए नहीं, वरना मैं स्केच बनाता रात। तो अब रात के 2:27 हो रहे हैं, फिलहाल इतना बन पाया स्केच, तो बनाता हूँ मैं। अब मैं बात यह है, मैं बनाता रहा हूँ पर कंसिस्टेंट नहीं बना पा रहा, उसकी वजह से इतना स्लो बन रहा है। अब मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी बनाने की। अब ये चैलेंज दे रहा हूँ मैं खुद को कि ये आउटलाइन पूरी कंप्लीट कर दूंगा। 2:28 हो रहे हैं, 2:45 से पहले पहले सारी आउटलाइन कंप्लीट फुल स्पीड ही देंगे, और 2:45 पे मैं आपको बताऊंगा कि हुई है कि नहीं आउटलाइन कंप्लीट। तो मैं मिलता हूँ आपको 15 मिनट बाद। तो फिलहाल टाइम हो रहा है 2:45 और चैलेंज फिनिश्ड, बन गई आउटलाइन सारी कंप्लीट हो गई फाइनली। अब ओनली रहती है शेडिंग, तो शेडिंग करूँगा अब मैं आज, कोशिश करेंगे ऐसी चैलेंज करके। तो आज की वीडियो बस इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसी चैलेंज आपको अब मैं पूरी रात ऐसी चैलेंज कर करके जल्दी जल्दी से बना दूंगा स्केच। तो ऐसे चैलेंज आपको मिलेंगे कल की वीडियो में, तो कल की वीडियो जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। क्वाइट बढ़ाने के लिए तो यही होता है। अरे यार बाहर बच्चे शोर मचा रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे।